खबर रीवा से है। नो पार्किंग जोन में खड़ी कार को ट्रैफिक पुलिस ने क्रेन से उठवा लिया और एसपी कार्यालय के सामने यह कार्रवाई की। आपको बता दें, पार्किंग जोन में वाहन पार्किंग में पाबंदी के बावजूद भी कई लोग नियमों की अनदेखी करते हैं। सोमवार को एसपी कार्यालय के सामने कई घंटों से खड़ी कार को ट्रैफिक पुलिस ने क्रेन से यातायात थाने पहुंचाया, जिसके बाद जुर्माने के बाद कार को छोड़ा गया। बताया गया है कि कार के सामने बहुजन समाज पार्टी विधानसभा अध्यक्ष लिखा हुआ था। यातायात पुलिस के मुताबिक कार चालक घंटों कार खड़ी करके वापस नहीं लौटा। आसपास जानकारी नहीं मिलने पर कार्रवाई की गई है। शिल्पी प्लाजा के पीछे एसपी कार्यालय कमिश्नर कार्यालय के सामने नो पार्किंग जोन घोषित किया गया है। प्रतिबंध के बावजूद भी कई वाहन चालक वाहन पार्किंग करते हैं। बताया गया है कि सोमवार को एसपी ऑफिस के सामने कई घंटों से बहुजन समाज पार्टी विधानसभा अध्यक्ष मनगवा 73 की गाड़ी खड़ी हुई थी। पुलिस के काफ़ी इंतजार के बाद भी अध्यक्ष साहब जब नज़र नहीं आए तो यातायात पुलिस ने रीवा एसपी नवनीत सिंह भसीन एवं एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा के आदेश पर क्रेन मंगवाकर गाड़ी को यातायात थाने भिजवा दिया। उठाई हुई कब कार्रवाई हुई है? गाड़ी एसपी कार्यालय के सामने खड़ी थी, क्या कार्रवाई? जो गाड़ी वहाँ पे खड़ी थी, उस क्षेत्र में जो खड़ी गाड़ी खड़ी थी, तो नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी थी और उस गाड़ी को क्रेन के द्वारा उठवाया गया और थाना ला करके संबंधित मालिक से जब पूछा गया, गाड़ी के पेपर जाने गए तो गाड़ी के पेपर समत थे, तो उसका नो पार्किंग जोन का मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माना किया गया है और ऐसी सभी गाड़ियों पे जो नो पार्किंग जोन में खड़ी होती है उनको मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उन पर जुर्माना किया जाता है। देखिए, शहर में बहुत सारी पार्किंग बनी हुई है, लोगों से अनुरोध है कि वहाँ पर पार्किंग का इस्तेमाल करें, वहाँ पर गाड़ियों को खड़ा करें। यदि आप इस तरीके से नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी करते हैं, लोगों को आने जाने में मुसीबत का सामना होता है, तो जाहिर सी तौर पे हमको जो है नो पार्किंग जोन पे मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माना करना पड़ेगा। वो किसी पार्टी के नेता की गाड़ी थी, किसी कौन से नेता की गाड़ी थी? अब ये देखिए, गाड़ी है वो किसी न किसी पार्टी के नेता की होगी, किसी दुकानदार की होगी, किसी व्यापारी की होगी, किसी पुलिस वाले की हो सकती है, किसी टीचर की हो सकती है। गाड़ी है, उसका ऑनर कोई ना कोई तो होगा, तो उस पर हम ना जाएँ। जो भी हो, चाहे वो पार्टी की गाड़ी हो या किसी भी व्यक्ति की गाड़ी हो, कोई व्यक्ति अवैध तरीके से इस तरीके से नो पार्किंग जोन में गाड़ी ना खड़ी करे। यदि इस तरीके से कोई भी व्यक्ति गाड़ी खड़ी करेगा तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माना हम करेंगे, इन्फोर्समेंट हम करेंगे।